6 बार चेकिंग हो जाती है। आते हैं पुलिस अंकल भी आते हैं, फर्स्ट डे तो नर्वस फील कर रहे थे लेकिन अब अच्छा लग रहा है, हम लोग एग्जाम देने में मजा आ रहा है। लाइव सिटीज में आपका स्वागत है और मैं हूँ हमजा। बिहार बोर्ड के 10th का एग्जाम चल रहा है, मैट्रिक का एग्जाम चल रहा है और मैं एक सेंटर पर खड़ा हूँ। ये छात्राओं का सेंटर है और यहाँ पर हम छात्राओं से बात करते हैं कि किस पेपर का एग्जाम है, किस तरह की तैयारी और कितना चेकिंग चल रहा है। क्या नाम है आपका? सालू कुमारी। आज किस पेपर का एग्जाम है? इंग्लिश। इंग्लिश का तैयारी कैसी है? बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है। yes. अच्छा, अंदर चेकिंग कैसी चल रही है? शूज आपको, आप लोगों को परमिट है? देख सकते हैं शूज नहीं है, स्लीपर में है। शूज पहनना अलाउड नहीं है ना? नहीं। अंदर कितनी बार चेकिंग होती है? 5-6 बार चेकिंग हो जाती है। 5-6 बार? कैसे, किस तरह की चेकिंग होती है? मतलब कोई सर आते हैं, कोई मैम आते हैं, कभी सर मैम एक साथ आते हैं, ऐसे बहुत सारे मैम लोग आते हैं, सर भी आते हैं, गार्ड भी आते हैं, पुलिस अंकल भी आते हैं, कैमरा भी, पुलिस अंकल आते हैं और सब कैमरा वैमरा में सबको आते हैं। अच्छा, कैमरा भी अंदर? हाँ। कैमरा रिकॉर्डिंग होता है? यस। जी जी जी। तो ऑब्जेक्टिव कैसे आ रहे हैं? ऑब्जेक्टिव तो और बहुत अच्छे आ रहे हैं, हल्के हल्के हैं बट बहुत अच्छे हैं। जी, आप बताएं कैसा जा रहा है एग्जाम? बहुत अच्छा जा रहा है। और आज की तैयारी कैसी है? बहुत अच्छी है। एग्जाम के टाइम नर्वस फील करती हैं आप लोग? नहीं। क्वेश्चन ऐसा मिलता ही नहीं कि जिससे नर्वस हो इंसान, इतना अच्छा रहता है कोई बना देगा इसीलिए। जी, मतलब क्वेश्चन आसान रहता है, इजी रहता है क्वेश्चन ना, इसी के लिए है तो बन जाता है सारा क्वेश्चन हम लोग का। सो एग्जाम है आप लोगों का, कैसा फील कर रही है बस एग्जाम देने से पहले? हम लोग तो फर्स्ट डे तो नर्वस फील कर रहे थे लेकिन अब अच्छा लग रहा है, हम लोग एग्जाम देने में मजा आ रहा है। मजा आ रहा है? हाँ। अभी एग्जाम देने जा रही है इंग्लिश का, डर लग रहा है किसी को? नहीं बिल्कुल नहीं। तैयारी की रात कैसी गुजरी? रात तो एकदम चैन, नींद सब उधर गए हम लोग। अच्छा, नींद आई थी रात को? हाँ, अच्छी तरह से। अच्छी तरह से नींद आई? हाँ। अच्छा, पढ़ाई होती है रात में या फिर एग्जाम? नहीं नहीं, पढ़ाई तो होती है तभी तो इतना अच्छा फील करते, तभी तो है इतना हास है। आ रहा है क्वेश्चन तो इजी है, क्वेश्चन इजी आ रहा है। जी, एग्जाम से पहले जो तैयारी होती है पढ़ने की और जो लगता है कि एक दो क्वेश्चन बन जाए, आप देखिए यहाँ पर छात्राएं पढ़ाई अभी भी कर रही है। क्या मतलब लास्ट टाइम पे भी पढ़ाई? हाँ। पढ़ेंगे तो ना लिखेंगे, पढ़ेंगे तो ना लिखेंगे। क्या अब नर्वस फील हो रहा है? थोड़ा। क्या अंदर जाकर मतलब लगभग तैयारी हो गई है आपकी? हाँ, हो गई। आज इंग्लिश का पेपर है? हाँ जी। ओके, तो यहाँ पर देखिए इंग्लिश का पेपर है, छात्राएं तैयारी कर रही हैं। वो एग्ज़ाम ख़त्म होने से पहले ठीक 2 मिनट पहले, जो 5 मिनट पहले की पढ़ाई होती है वो चालू है यहाँ पे सेंटर पे, लोगों के सेंटर के बाहर। आइए हम कुछ और लोगों से बातें करें। तो अब एंट्री मिल रहा है, क्या कहना है, कितनी तैयारी है आपकी? ठीक है, अच्छी तैयारी है। ठीक है। चेकिंग कितने बार होती है अंदर? 2-3 बार लगभग हो जाती है। 2-3 बार हो जाती है। नर्वस है? नहीं। अच्छा, तो यहाँ पर देखिए छात्राओं से हमने बात की, आपको ये भी दिखाया कि एग्ज़ाम देने से ठीक पहले जो तैयारी होती है वो लोगों के लिए कितनी इंपॉर्टेंट होती है और लोग कितने नर्वस या कितने एक्साइटेड होते हैं। देखिए अब अंदर जा रही हैं लड़कियाँ छात्राएं, क्योंकि अब एक जो अंदर जाने का वक्त है वो हो चुका है। हम पल पल आपके साथ बने रहेंगे, आप जुड़े रहें हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।